स्टार्टेड। ये हमारे बैग सारे पीछे की साइड में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज है हमारी सिटी में फैशन शो, जिसमें हमने हमारे शोरूम के कलेक्शन को भी रिप्रेजेंट किया है। तो अराउंड 13 मॉडल्स रहेंगे और सारा अरेंजमेंट हो चुका है। हमने उनको सारा जो भी उनका ड्रेसअप था जो भी था सब कुछ दे दिया है और अब हम जा रहे हैं रेडी होने के लिए। बोल दिया था ये शोरूम आपके नाम है, जिसको जो पहनना पहनो, बट वो हम दिखाएंगे आपको। हमने रिकॉर्ड किया है वो, तो हम पक्का इसमें एड करके आपको दिखाएंगे कि कितनी। तो चलिए नेक्स्ट एक और बहुत ही खूबसूरत से हमारे रनवे शो के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ ऑन टू द स्टेज जो ब्रांड है, आप सभी के बीच इंट्रोड्यूस करेगी हमारे द डैशिंग एंड हैंडसम मेल्स के कलेक्शन को। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर एम स्क्वायर, द बेस्ट ब्रांड, द बेस्ट आउटलेट फॉर मेल्स क्लोथिंग। एंड ऑन टू द स्टेज आ रहे हैं हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स वो वेशभूषा धारण करके। We'll be right back.
फाइनली बढ़िया हुआ, एकदम बढ़िया तरीके से हो गया फैशन शो 2023। और हम लोग कैसे दिख रहे हैं क्योंकि हम तैयार नहीं हो पाए, हम रेडी टाइम नहीं मिला यार, बच्चों का पहले सोचना पड़ेगा जिनको करियर बनाना है उसी फील्ड में। हमारा तो क्या, हमको तो लाइट बंद हो जाती है, हमको तो क्या है, हमको तो खुद को ऑर्गेनाइज करना था। मेन तो उन बच्चों के करियर का है, फर्स्ट वी हैव टू थिंक। हम लोग सिर्फ 5 मिनट में तैयार होके फटाफट आए क्योंकि हमारा नाम, हमारे शोरूम का नाम आ चुका था और हम थे ही नहीं। हाँ, हमारे शोरूम का नाम ले लिया और स्क्रीन में चलने लग गया M2 दिखा रहे। मैं बहुत लेट हो गया था, क्या करे, कहानी ऐसी हो गई है कि बहुत खतरनाक वाली उलझी। एक बच्चा था उसके अंदर, वो भाई मुझे बोला भैया मेरे पास में ट्राउजर थी लेकिन है नहीं, और थी है नहीं, सोचा है लेकिन नहीं है, ऐसा कुछ हुआ। मैंने चलो कार में बिठाया, फटाफट चूज करवाया, मिलना भैया इसके नीचे, इस ड्रेस के नीचे अपन को ये सेट करना है, ठीक है, ब्लैक कलर का जीन्स शायद मे भी वो लिया था, और वो पिक करा बढ़िया मस्त फटाफट। फिर मैंने ड्रॉप करा लेके, और फिर उसके बाद में फिर मैंने मैं वाइफ के पास में गया, फिर उसके बाद में शॉप क्लोज करी मंगल करने के बाद में, फिर रेडी होने गए। रेडी होने की वजह से फिर लेट भी हो गए, रेडी भी नहीं हो पाए, क्या करें। तो मैम पापा भी आ गए ना, तो उधर गए हो, देखिए क्या कर रहे हो।